दोस्तों भेड़िए यानी धरती के सबसे खूंखार और कामयाब शिकारी। खूंखार तो इतने कि किसी बेहद ही बुरे और निर्दयी इंसान की तुलना भी भेड़िए से ही की जाती है। साथ ही इस जानवर के बारे में प्राचीन समय से ही अनेकों अफवाहें भी फैली हुई हैं। अफवाहों के अनुसार किसी शराब के चलते कोई इंसान अमावस्या की अंधेरी रात में भेड़िया बन जाता है और वो इंसान अन्य इंसानों का ही शिकार करता है। 1927 में फ्रांस के एक पुलिसकर्मी ने एक लड़के को केवल इसीलिए गोली मार दी थी क्योंकि उस पुलिस वाले को लगता था कि वो लड़का कोई इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी भेड़िया है। उन दिनों फ्रांस में भेड़िया मानवों की अफवाह ने इतना अधिक जोर पकड़ा हुआ था कि जिस किसी को भी जहाँ कोई भेड़िया दिखाई देता था तो बेचारे उस भेड़िए को तुरंत मार दिया जाता था। खैर, अफवाह तो कुछ भी उड़ाई जा सकती है क्योंकि अफवाहों के पीछे कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु भेड़िया कितना बेहतरीन जानवर है ये आज के वीडियो में आप तर्कों के द्वारा जरूर जान पाएंगे। दोस्तों, दुनिया भर में कुल मिलाकर भेड़ियों की संख्या 1.5 लाख के आसपास मानी जाती है। भेड़ियों की मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, ग्रे वुल्फ, रेड वुल्फ और इथोपियन वुल्फ। ग्रे वुल्फ जहां काफ़ी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, वहीं रेड वुल्फ का दिख पाना बेहद ही दुर्लभ हो चला है। भेड़िया ठंडे से लेकर गर्म मौसम में भी गुजारा कर लेते हैं, साथ ही इनमें दूसरे जानवरों के साथ तालमेल बिठाकर रहने की भी गजब की क्षमता है। उदाहरण के लिए इस इथोपियन भेड़िये को देखिए, रेड वुल्फ की भांति आज इन इथोपियन वुल्फ की संख्या भी बेहद कम बची हुई है। शायद आने वाले कुछ दशकों में ये खूबसूरत जानवर धरती से गायब हो जाएगा। ये इथोपियन भेड़िया इतना बुद्धिमान है कि इसने इन बबून्स बंदरों के साथ रहना सीख लिया है। झुंड में रहते ये भेड़िया अगर चाहे तो बड़ी ही आसानी से किसी बबून का शिकार कर सकते हैं, किंतु ये ऐसा नहीं करते क्योंकि बुद्धिमान भेड़िया भली भांति समझते हैं कि बबून के साथ रहने से इन्हें बड़ा फायदा है। असल में ये इथोपियन भेड़िये इन छोटे चूहों को बड़े चाव से खाते हैं। इन चूहों को मार डालना इनके लिए बेहद आसान है, किंतु तेज नाक वाले चूहे भेड़ियों की गंध पाते ही बिलों में छुप जाते हैं। ऐसे में बबून बंदरों के साथ रहने से भेड़ियों को बड़ा फायदा मिलता है क्योंकि हर ओर फैली बबून की गंध के कारण चूहे भेड़ियों की गंध को नहीं पकड़ पाते और इन भेड़ियों का आसान शिकार बन जाते हैं। बड़ी हैरत की बात है कि भेड़ियों ने चूहों को फंसाने की इस अजीब तकनीक को जान लिया है। साथ ही पेड़ों पर चढ़े बबून किसी भी खतरे को सबसे पहले भांप जाते हैं और जब ये अपने साथियों को खतरे की सूचना देते हैं तो भेड़िया भी संभावित खतरे के प्रति चौकन्ने हो जाते हैं। यानी बबून के साथ रहने के अनेकों फायदे हैं, इसलिए तो ये भेड़िया कभी किसी बबून पर हमला नहीं करते। दोस्तों, कुत्तों की उत्पत्ति भेड़ियों से ही हुई मानी जाती है। जानकार बतलाते हैं कि जिस तरह से इथोपियन भेड़िये बबून के साथ रहने का महत्व समझ गए हैं, ठीक उसी तरह से कभी कुत्ते भी इंसानों के साथ रहने के महत्व को जान गए थे और कुत्ते ऐसा पहला जानवर बने जिन्हें इंसानों द्वारा पाला गया। जब इंसानों ने हथियारों का प्रयोग सीख लिया था तो इंसान बड़े पैमाने पर शिकार करने लगे थे जिससे कुत्तों को भी खाना मिल जाता था। वहीं कुत्ते अपने सुनने और सूंघने की तेज क्षमता के कारण इंसानों की शिकार ढूंढने में मदद करते थे। वस्तुतः एकजुट रहकर बुद्धिमानी से काम करने की क्षमता ही कुत्तों और भेड़ियों को अन्य जानवरों से अलग बना देती है। वैसे भेड़ियों का दिमाग घरेलू कुत्ते की तुलना में करीब 15% ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इन्हें कुत्तों से ज़्यादा समझदार भी कहा जा सकता है। साथ ही भेड़ियों की सूंघने की क्षमता भी कुत्तों से कहीं अधिक होती है। ये 1 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार का पता लगा लेते हैं। इनके नाक में 20 करोड़ सुगंध कोशिकाएं होती हैं, जबकि हम मनुष्यों के पास केवल 50 लाख सुगंध कोशिकाएं ही हैं। यानी कोई भेड़िया इंसानों की तुलना में 40 गुना अधिक सूंघने की क्षमता रखता है। भेड़िये के चेहरे के भावों में भी कुत्तों से अधिक विभिन्नताएं हैं। ये अपने होंठ और चेहरे से अलग अलग मुद्राएं बनाकर एक दूसरे से इशारों में बात भी कर लेते हैं। यदि खाने की बात की जाए तो भेड़िया बेहद ही पेटू जानवर है। आकार में शेरों से छोटा होने के बावजूद भी एक भेड़िया एक बार में शेर से भी अधिक मांस खा सकता है। भेड़िया अमूमन 12 किलो तक मांस को एक ही बार में डकार जाता है। यदि हम इंसानों के वजन के आधार पर इसकी तुलना इंसानों से करें तो ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई इंसान एक बार में ही 100 बर्गर खा जाए। असल में कुत्तों के परिवार के तमाम सदस्यों का पेट और अंदरूनी अंग बेहद ही लचीले होते हैं, जो जरूरत से ज्यादा भोजन को खुद में समा सकते हैं। एक बार भरपेट भोजन खाने के बाद भेड़िया आसानी से 2 सप्ताह तक बिना खाए भी रह लेते हैं। भेड़ियों के शिकार में हर प्रकार के जीव शामिल हैं। जब कोई भेड़िया अकेला शिकार करता है तो चूहों तक को मारकर खा जाता है। वहीं झुंड में मिलकर ये हिरणों से लेकर भैंसों तक को भी मार डालने के लिए जाने जाते हैं।
हैं, जरा इस वीडियो में देखिए। ये उत्तरी अमेरिका में रहने वाले बाइसन हैं जो वजन में 1000 किलो तक भारी हो जाते हैं। यहाँ ये भेड़िए पहले मिलकर पूरे झुंड को खदेड़ते हैं और बड़ी ही आसानी से एक बड़े शिकार को मार डालते हैं। वहीं इस दूसरी वीडियो में भेड़िए खरगोश जैसे छोटे जीव का भी मिलकर शिकार कर रहे हैं। ये बारी बारी से अपने शिकार का पीछा करते हैं। जब एक भेड़िया थक जाता है तो दूसरा अपनी गति बढ़ा देता है। इस तरह से दौड़ते हुए भेड़िए 5 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं। दोस्तों, भेड़ियों की सबसे बड़ी शक्ति होती है इनका एक साथ समूह बनाकर रहना। इनके समूह को वोल्फ पैक कहते हैं। एक पैक में मात्र 2 से 3 भेड़िया भी हो सकते हैं, वहीं किसी बड़े पैक में इनकी संख्या 40 तक भी देखी गई है। प्रत्येक समूह में एक मुखिया होता है जो पूरे समूह को नियंत्रित रखता है। शिकार चाहे छोटा हो या बड़ा, भेड़िये मिल बांटकर खाने में यकीन रखते हैं। इन्हें लकड़बग्गों की तरह खाने को लेकर आपस में लड़ते हुए बहुत ही कम देखा गया है। यदि मादा की बात की जाए तो मादा भेड़िया एक बेहतरीन माँ होती है। करीब 2 महीने तक गर्भवती रहने के बाद ये 4 से 6 बच्चों को जन्म देती है, किंतु कई बार कुछ मादाओं को 1 दर्जन से भी अधिक बच्चों को जन्म देते हुए देखा गया है। वैसे कुत्तों के परिवार के सदस्यों की एक अनोखी खासियत होती है, जब कोई माँ बच्चों को जन्म देती है तो एक साथ जन्मे उन बच्चों के पिता अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसा एक से अधिक नरों के साथ संबंध बनाने से होता है। मादा के गर्भाशय में कई सारे अंडे एक साथ रिलीज होते हैं और एक से अधिक नरों के साथ संबंध रखने के कारण ये अंडे अलग अलग नरों के शुक्राणुओं से निषेचित हो जाते हैं, किंतु भेड़िया ऐसा नहीं करते। भेड़ियों के समूह की एक सामाजिक संरचना और नियम होते हैं। समूह का नेतृत्व करते मुखिया नर और मादा पूरे समूह में अकेले ऐसे भेड़िया होते हैं जिन्हें मिलन करने का और बच्चे पैदा करने का अधिकार होता है। यदि किसी अन्य भेड़िया की पिता बनने की इच्छा है तो पहले उस भेड़िया को मुख्य नर से चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है। यदि वो मुख्य नर को हरा देता है तो अपनी मनपसंद मादा चुन सकता है, वहीं हारा हुआ भेड़िया झुंड छोड़ देता है। ऐसे में उसे या तो जीवन भर अकेले रहना पड़ता है या किसी दूसरे झुंड के साथ जुड़ने के लिए संघर्ष करना होता है। जब नन्हे भेड़िया जन्म लेते हैं तो इनकी आंखें और कान बंद होते हैं। ऐसे हालात में माँ की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ मैं आपको एक और अनोखी बात बताता हूँ। मादा भेड़िया इस बात का खास ख्याल रखती है कि उसके तमाम बच्चे ना सिर्फ समय से दूध पिएं, बल्कि समय से सोच आदि करके हल्के भी हो जाएं। और इसके लिए माँ बारी बारी से सभी बच्चों के पेट को चाटती है। पेट चाटने से पेट पर हुई गुदगुदी के कारण ये बच्चे तुरंत सुसुपोटी कर देते हैं। जहाँ तक लाइफ साइकिल की बात है तो अमूमन एक भेड़िया 12 से 13 वर्षों तक जीवित रह लेता है। हालांकि इनके जीवन काल में काफ़ी विविधताएं देखने को मिलती हैं। कुछ भेड़िया 4 से 5 साल में ही मारे जाते हैं, वहीं कुछ 15 वर्ष की आयु तक भी जीवित रह लेते हैं। झुंड में रहते भेड़ियों को किसी अन्य जानवर द्वारा मारना बेहद मुश्किल है। इनकी मौतें अक्सर रेबीज जैसी बीमारियों के चलते ही होती हैं। कई बार तो रेबीज बीमारी महामारी बनकर एक भेड़िए से दूसरे भेड़िए में फैलती है और भेड़ियों के पूरे झुंड को ही नष्ट कर देती है। अंत में एक और रोचक तथ्य भेड़िए की टांगों के बारे में सुनिए। भेड़िए की टांगें इतनी मजबूत होती हैं कि कई बार ये मरने के बाद भी गिरते नहीं, बल्कि अपनी टांगों पर ही खड़े रह जाते हैं। ठीक ऐसी ही अनोखी खूबी बिल्ली परिवार के सबसे बड़े सदस्य बाघ में भी देखी गई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।